नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम ज़की हुसैन आबदी, एक और सच न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा सूबा माना जाता है, जो एक सियासत का गढ़ कहा जाता है, ये भी कहावत कही जाती है, जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया समझो उसने केंद्र में सरकार बना ली। तो आज उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पुलिस द्वारा पीटा गया। ये प्रदर्शन इस कारण हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में पीपीई किट घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इससे पहले जेई मेंस और नीट की परीक्षा के विरोध में समाजवादी छात्र संघ के युवा नेता भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिनको पुलिस ने बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा था। क्या ये सवाल सरकार से विपक्ष को पूछने का हक नहीं है? क्या ये सवाल विपक्ष से पूछने का हक नहीं है? अपने हितों में विपक्ष अगर प्रदर्शन करता है तो ये गलत है? लोकतांत्रिक हिसाब से अगर संविधान में लिखा हुआ है कि हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं लोकतंत्र के दायरे के अंदर, परंतु उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार इसके सख्त विरोध है। अगर किसी तरीके का कोई प्रदर्शन होता है तो उसको पुलिस की कार्रवाई के ज़रिए उसको स्थगित करने के लिए मंशा बनाई जाती है, जो कि बहुत बुरा है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अनुरोध है, अगर विपक्ष कोई सवाल पूछता है तो उसके जवाब दीजिए। इससे पहले आपने CA NRC के मुद्दे पर भी बेगुनाह लोगों पर FIR करी, जिस तरह से डॉक्टर कफील के ऊपर NSA लगा, पर वो पूरी तरह से निर्दोष हाईकोर्ट की तरफ से साबित हुए और वे राजस्थान चले गए। आप क्या चाहते हैं, आपके सूबे के लोग दूसरे राज्यों में जाकर बच जाए? कोई अपना हक नहीं मांग सकता? ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन था उसकी एक छोटी सी वीडियो है, जो कि आप आगे देखिएगा। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ और मेरी न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की मदद से हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मैं बीच बीच में इस वीडियो में आता रहता हूँ, और बीच बीच में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं रहता तो मैं बीच बीच में एक आध वीडियो बनाता रहता हूँ आप लोगों से जुड़े रहने के लिए। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एक बार और नमस्कार।